भोगापुर के गांव में चमन और चमेली कहकर एक जोड़ा रहता था। उनको एक बच्ची थी और एक बेटा था। वे बहुत गरीब थे। चमन रिक्शा चलाता था और चमेली चार घरों में काम करती थी। दोनों बच्चों तो स्कूल में पढ़ाई करते थे। गर्मियों का मौसम आया है तो उनके मुश्किलें और भी बढ़ जाते थे। उनके झोंपड़े में फैन भी नहीं रहने के वजह से वे लोग गर्मी से बहुत परेशान होते थे। हाथ का पंखा, कार्डबोर्ड, स्लेट, किताब, ऐसे उनको जो भी मिलता था उनसे हवा करते थे। रातों में बेचारे चमन और चमेली तो बच्चों को हाथ से पंखा करते हुए नींद के बिना ऐसे बहुत सारे रातें गुजारे थे। एक दिन चमन का बेटा, बापू आज मेरा दोस्त रतन के घर गया था, उनका बर्थडे पार्टी है कहकर बुलाया। उधर कितना ठंडा है पता है? हमारा घर में इतना गर्मी क्यों रहता है? बहुत मुश्किल हो रहा है बापू, कहा। तब उनकी बेटी, वहाँ एसी रहता है भैया, इसलिए इतना ठंडा रहता है। हमारे जैसे गरीबों को एसी खरीदने का पैसे कहाँ से मिलता है बताओ? बापू कम से कम एक फैन तो लगाओ बापू, बहुत गर्मी हो रही है, बोली। उनके बातें सुनकर चमन और चमेली बहुत दुखी हुए। एक दिन चमन को बगल वाले गांव के लिए एक सवारी मिला था। एक आदमी को दूसरे गांव में एक घर के सामने उतारा। वो आदमी उधर उतरकर उसे पैसे देकर घर के अंदर चला गया। वो चमन को देखकर, ए बाबू इधर इधर आओ बाबू, कहकर बुलाया। तब चमन उनका रिक्शा के साथ उधर गया। वो एसी को रिक्शा में रखकर, जल्दी इधर से चले जाओ, जल्दी जल्दी, कहने लगा। तब चमन, ये क्या है जी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसे ले जाकर कहाँ जाना है, पूछा। तब वो आदमी, अरे पहले इधर से जाओ जाओ जल्दी जाओ, कहकर रिक्शा को ढकेल दिया। तब चमन को कुछ भी समझ में नहीं आकर उधर से चला गया। एसी को घर लाकर चमेली से जो हुआ वो बताया। वो भगवान खुद हमें एसी दिया जैसा लग रहा है, अब से बच्चे और हम खुशी से ठंडा हवा के मजा ले सकते हैं, कहा। तब दोनों बच्चे, एसी हमारा घर आया है, एसी हमारा घर आया है, कहकर खुशी से चिल्लाने लगे। तब चमेली, अरे बस करो आपका ये चिल्लाना, पहले ये काम कर रहा है कि नहीं तो देखो, बोली। तब चमन एसी को लगाकर उसे ऑन किया। उसमें से ठंडा हवा आने लगी। उस रात भर बच्चे एसी में सुकून से सोने लगे। ये देखकर चमन और चमेली बहुत खुश हुए। अगले दिन चमन एसी को फिर से ऑन किया, लेकिन उसमें से हवा नहीं आया। वो देखकर बच्चे रोने का शक्ल लगाए थे। तब उनकी बेटी, बाबू ये क्या हुआ, एक ही दिन में खराब हो गए हैं, अब कैसे, पूछी। तब उनका बेटा, मैं एक बार कोशिश करके देखता हूँ ये ठीक होगा कि नहीं, कहकर एक छड़ी लेकर एसी के ऊपर दो बार मारा। तब वो एसी शुरू हुआ और उसके अंदर से पैसे, सोना और हीरे गिरने लगे। ये सारे देखकर वे लोग हैरान हो गए। तब चमेली, अरे वाह ये तो जादुई एसी लग रहा है, अब हम इससे करोड़पति बन सकते हैं, बोली। तब चमन, क्या करोड़पति बनेंगे? ये सब संपत्ति तो जिसने एसी दिया उस आदमी का हो सकता है, मैं जाकर उसे वापस देकर आता हूँ, कहा। तब चमेली, तुम पगला गए हो क्या, इतना संपत्ति मिला है तो वापस कर दूंगा कह रहे हो, मैं नहीं मानूंगी, बोली। तब चमन, ये गलत है, हमारा जो नहीं है उसके लिए हम आस करना नहीं चाहिए, और ये करने से बिल्कुल अच्छा नहीं होगा, कहा। बाद में वो एसी रिक्शा में डालकर वापस गया। चमन उस घर के सामने रिक्शा रोककर देखा तो घर के आगे कुछ घोड़े दिखाई दिए। चमन उस एसी को उठाकर घर के अंदर गया। अंदर देखा तो पहले उसे एसी दिया आदमी और उसकी पत्नी कुर्सी पर बांधे हुए थे, और उनके सामने डाकू लोग बंदूक पकड़कर खड़े हुए थे। तब डाकू का नायक, हे मर्यादा से बोलो, ऐसे सोना और हीरे कहाँ छुपाया है, तुम्हारे पास बहुत सारे संपत्ति है कहकर हमें समाचार मिला था, पूरा घर ढूंढने से भी वो संपत्ति नहीं मिला, कहाँ छुपाया बोलोगे या गोली मार दूं, कहकर बंदूक को निशाना लगाया।
तब वो आदमी, श्रीमान मुझे व्यापार में नुकसान आकर मेरा सारा संपत्ति गवा दिया है। मेरा बात मानिए, ये सच है। भगवान के ऊपर प्रणाम करके कह रहा हूँ, हमें छोड़ दीजिए, कहकर उनसे भीख मांगने लगा। इतने में एक चोर चमन को देखकर, ए कौन हो तुम, इधर क्यों आए हो, कहकर सारे चोर मिलकर चमन के और बंदूक निशाना लगाए। तब चमन, भैया 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 जल्दबाजी में गोली मत चलाइए भैया, परसों को ही इस एसी ये साहब लेकर जाने के लिए मुझे दिए थे। मैंने पूछा कि क्यों मुझे दे रहे थे, लेकिन वो कुछ नहीं बताया और एसी देकर भेज दिया। और फिर कहकर कुछ कहने लगा, तब उन चोरों का नायक, ओहो तो हम आ रहे हैं कहकर तुम्हें पहले से ही पता चलकर पैसे सोना और हीरों को इस एसी में छुपाया है, अरे उस एसी का पूरा जांच करो, कहा। तब डाकू उस एसी के अंदर ढूंढने लगे, लेकिन उनको अंदर कुछ नहीं मिला। तब चमन, मालिक आप जैसे सोच रहे हैं वैसे उसके अंदर कुछ भी नहीं है, और उसके ऊपर ये एक दिन में ही खराब हो गया है, इसलिए वापस देने के लिए आया हूँ बस, कहा। तब चोरों का नायक, तो ये आदमी जो कह रहा था वो सच है, इसे व्यापार में नुकसान आकर सारा संपत्ति गवा दिया है शायद, अरे ओ चलिए इधर से, कहा। तब सब डाकू लोग उधर से चले गए। बाद में चमन उस आदमी और औरत का रस्सियां खोला। तब चमन, मालिक मैंने उनसे जानबूझकर झूठ कहा, आपका पैसे सोना और हीरे सब मेरे घर में सुरक्षित है, वो बात कहने के लिए आया हूँ, कहा। तब वो आदमी, अरे वाह सही समय पर आकर तुम्हारा चालकपन से हमारा जान बचाया, सच में तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। वो चोर आने का समाचार मिलने के वजह से मुझे क्या करना है पता नहीं चला और सारा संपत्ति एसी में छुपा कर रखा। तुम ऐसे एसी को ले जाते ही वे लोग मेरे घर में आ गए थे, कहा। तब उनकी पत्नी, बाबू वो पैसा सोना और हीरा सब लेने का तुम्हें मन नहीं हुआ क्या, क्यों वापस आए हो, असल में तुम कौन हो, पूछी। तब चमन उसके बारे में सब कुछ कहकर, माँ जी हमारा जो नहीं है उस संपत्ति को हम नहीं लेना चाहिए, मेरे बच्चों के लिए एसी मिलेगा तो बस है सोचा था, लेकिन पैसे मिलेंगे कहकर नहीं सोचा, इधर आने के बाद मुझे सब कुछ समझ में आया, इसलिए मैं उन चोरों से झूठ कहा, कहा। तब वो आदमी, अरे सच में तुम्हारा तो बहुत बड़ा मन है, अगर तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है तो तुम और तुम्हारे परिवार आकर हमारे साथ रहिए, तुम्हें और तुम्हारी बीवी को काम देकर हम वेतन भी देंगे, आपके बच्चों को अच्छे से पढ़ाएंगे, कहा। तब से लेकर चमन के बच्चे सबके साथ उस घर में एसी को अच्छे से इस्तेमाल करने लगे।